नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। हो चुका आप है टेक्निकल एक्सपर्ट चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल पे से ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि गूगल पे UPI से हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं या फिर बैंक बैलेंस चेक करते हैं या फिर हम रिचार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ से आप ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हो और वो भी कुछ कम दाम में, यानी कि आपका किराया जो है वो कुछ कम देना पड़ेगा अगर आप गूगल पे से ट्रेन टिकट बुक करते हो। तो यहाँ पर आपको लाइव ट्रेन टिकट बुक करके अभी दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप लाइव बताने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं और कैसे आप पैसे में ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने पर छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करते तो थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बड़ा मजा आता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे गूगल पे से ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे पहले आपको डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो इसे ओपन कर लेना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है हमारा, तो मोबाइल नंबर सबसे पहले हम अपना डालेंगे, एक मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसके जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हमारे पहले जैसे हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होता, अकाउंट बनाया हुआ था और फिर डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा बैंक इनएक्टिव हो चुका है। तो एक्टिवेट पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल नंबर हमारा बैंक से वेरीफाई करेगा, एक SMS सेंड करेगा और ये हमारा जो है अकाउंट जो है बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है हमारा बैंक अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा गूगल का अकाउंट समझ लो ये क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। बहुत ही आसान है गूगल अकाउंट बनाने में। यहाँ पे अगर पिन एक आपको क्रिएट करना है तो पिन हमारा जो फ़ोन का लॉक है वही हम रखेंगे, फिंगर लॉक है, फिंगर लगाएंगे यहाँ पर हम वही यूज कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा आ जाएगा, गूगल पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ट्रेन का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सिंपली ट्रेन्स पर ही क्लिक करना है। यहाँ ट्रेन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिखा रहा है जैसे कि 2019 में हमने कोई ट्रांजैक्शन किया था, मतलब टिकट बुक किया था, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद से मैंने यहाँ से नहीं किया। तो अभी टिकट बुक करने के लिए क्या करना है, नीचे आपको न्यू टिकट्स का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले नीचे आएंगे तो आपको न्यू टिकट्स का ऑप्शन मिलेगा और उस पर ही क्लिक करना है नया टिकट बुक करने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपली न्यू टिकट्स पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दूसरा एक पेज खुल के आता है। यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन स्टेशन यानी फ्रॉम स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन यानी टू स्टेशन आपका सेलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो है फ्रॉम स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर गोंडा। उसके बाद में जो हमारा टू स्टेशन है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, वो है हमारा लुधियाना। तो यहाँ पे आपको लाइव टिकट बुक करके अभी दिखाऊंगा, तो वीडियो हमारा एंड तक जरूर देखिए। अब यहाँ पे डिपार्चर डेट आपको सिलेक्ट करना है कि किस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं। 7 नवंबर करते हैं, उसके बाद डन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोटा अगर सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जनरल हम रखेंगे। यहाँ पे उस डेट में जितनी भी ट्रेन होगी यहाँ पे शो कर देगी। यहाँ पे हमारे एक ही ट्रेन हमको दिखाई पड़ रही है, उस डेट में एक ही ट्रेन है। अब कौन सी कैटेगरी में कितने टिकट अवेलेबल हैं या वेटिंग हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे हमारे सभी में वेटिंग लगभग दिखा रहा है, लेकिन ये वेटिंग जो है वो बहुत कम है और ये कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ने के लिए सिंपली जो टिकट का अमाउंट दिया हुआ है सिंपली उसी पर क्लिक करना है, जिस भी कैटेगरी में आप टिकट बुक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपका जो है बोर्डिंग पॉइंट यानी जो है अपना बोर्डिंग स्टेशन अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि टिकट अवेलेबल नहीं होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भी, तो जहाँ से ट्रेन चलती है लोग वहाँ से टिकट बुक कर लेते हैं और उनको ट्रेवल करना होता है कहीं बीच से, तो इस स्थिति में हम यहाँ पे बोर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा बोर्डिंग वहीं से है और वहीं से मैंने टिकट बुक किया है तो चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे IRCTC का यूजर ID आपको डालना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, सिंपली क्लिक करता। अगर आपका IRCTC ID नहीं है तो क्रिएट पर क्लिक करके, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना IRCTC का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं पता कैसे क्रिएट करते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स में आना है, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन में पैसेंजर का नाम डालना है, पैसेंजर का एज डालना है, तो जो भी ट्रेवल करना चाहता है उसका नाम, उम्र और जेंडर, नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया रहेगा, ये आपको डालना है। अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर हैं तो ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके और भी ऐड कर लेना है। अगर उसके साथ कोई बच्चे हैं तो ऐड चिल्ड पर क्लिक करके उसका डिटेल डाल देना है। हम यहाँ पे 2 पैसेंजर हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे दोबारा और फिर दोबारा नाम डाल देंगे दूसरे पैसेंजर का और एज भी डालेंगे, मेल फीमेल जेंडर भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं।
अगर दो पैसेंजर से भी ज़्यादा हैं तो ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके इसी तरह और नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे आएंगे कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे सबसे पहले पैसेंजर के मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे डालना है जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। पहले एड्रेस नहीं डलता था लेकिन कोविड के बाद में एड्रेस डालना जरूरी हो गया है, तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं कि कहाँ जाएंगे ये। उसके बाद में ऑप्शन जो है स्टेट और कॉलोनी जो है ऑप्शनल है। उसके बाद पिन कोड डालना जरूरी है, तो यहाँ पे हम पिन कोड डालेंगे उस एरिया का जहाँ जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सब आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तो यहाँ पे हम लिस्ट आप आ जाएगी, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं शिवपुरी, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कंटिन्यू करते ही एक दूसरा पेज खुल के आएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है टर्म एंड सर्विसेज के बारे में, इसे रीड कर लेना एक बार, मैंने रीड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड IRCTC का आपको डालना है, अगर आपको पासवर्ड पता है IRCTC का तो यहाँ पे आई रिमेंबर माई पासवर्ड IRCTC का जो वो उस पर टिक करना है और कंटिन्यू करना है, अगर भूल गए तो फॉरगेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, और वीडियो हमारा एंड तक जरूर देखिए तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना किराया आपको लगने वाला है, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ टोटल दिखा देगा। अब उसके बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू करते ही यहाँ पे आपको पेमेंट मोड पे ले जाएगा, आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम अपना जो है गूगल पे का पिन वगैरह डाल के पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट होने के बाद में यहाँ पे आपको बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक बैक करेगा आपको IRCTC की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये बैक कर रहा है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया बोलिए यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरा पेज आएगा IRCTC का। यहाँ पे देखिए पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है, सिंपली सबमिट करना है। यूजर आईडी हमने पहले डाला था, अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो करेगा बैक करेगा, आपको बैक नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकिंग कन्फर्मेट, तो हमारा जो है टिकट बुक हो चुका है। आप टिकट को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड टिकट पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं टिकट जो बुक हुआ है उसका स्टेटस, यहाँ करंट स्टेटस जो है वो क्या है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है 3-4 वेटिंग है ये कन्फर्म हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो अभी हम टिकट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सिंपली डाउनलोड टिकट्स पर ऊपर क्लिक करना है, और टिकट अपना डाउनलोड करके अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ PDF डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे सिंपली जो है राइट साइड में सबसे ऊपर क्लिक करके प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ जूम करके अपना टिकट देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बैक हो जाते हैं, और बैक होने के बाद में मान लो अब हम दोबारा से अपना जो है टिकट देखना चाहते हैं बुकिंग, तो सिंपली ट्रेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू और कैंसिल टिकट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ टिकट बुक किया है। अब इससे हम कभी भी यहाँ इस तरह से अपने टिकट को ओपन कर सकते हैं और उसका करंट स्टेटस देख सकते हैं। तो अभी मेरा करंट स्टेटस वही है क्योंकि अभी बुक किया हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि इस गूगल पे से अगर आप टिकट बुक कर सके हैं तो आपको किराए कुछ कम देने पड़ सकते हैं, तो कैसे वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिए हमने टिकट अभी बुक किया, उसका जो है टिकट का प्राइस जो है 530 रुपये है। IRCTC का सर्विस चार्ज जो है 17 रुपये 70 पैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। गूगल पे का चार्ज यहाँ 0 है, पेमेंट गेटवे का चार्ज यहाँ 0 है, और ट्रेवल इंश्योरेंस यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं लगा है आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यही टिकट हम किसी अदर एप्लीकेशन से करते हैं तो वहाँ पर चार्ज लगते हैं, तो वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने टिकट उससे बुक किया है। अब यहाँ देखिए यहाँ टिकट का जो है रेट है 280 रुपये किराया जो है। ट्रेवल इंश्योरेंस जो मैंने लिया है वो तो 49 पैसे का है, उस तो वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ IRCTC का कन्वीनियंस फी जो है वो 17 रुपये 70 पैसे है, और एजेंट सर्विस चार्ज यहाँ देखिए एजेंट सर्विस चार्ज 20 रुपये लगाया है, और पेमेंट गेटवे चार्ज यहाँ पे 6 रुपये 76 पैसे इंक्लूडिंग GST लगाया हुआ है, जो वहाँ पे गूगल पे पर नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं ये टिकट में लगभग 26 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़ रहे हैं अगर दूसरे से हम टिकट बुक करते हैं। तो इस तरह से आप गूगल पे UPI से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपना जो है किराए का कुछ पैसा भी बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।